उमरिया में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार और राजस्थान में बीते दिनों पुजारी को जिंदा जलाकर मारने के विरोध में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पुजारी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत दुबे ने बताया कि संगठन ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करता है। देश भर के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। बीते दिनों राजस्थान में गरीब पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। हमारी मांग है कि पुजारी के हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो, हत्यारों को फांसी की सजा के साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। उक्त मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो देश भर के ब्राह्मण सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला उमरिया की पूरी टीम के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और हमारा जो यहां पर ज्ञापन देने जो पहुंचे थे उसका मुख्य कारण था राजस्थान में जो अभी बीते दिनों सपोटरा मुख्यालय जो था उसमें कोटरा गांव के पुजारी की जो निर्मम हत्या की गई, पेट्रोल डाल के पूरा घेरा लगा के इस तरह से निर्मम हत्या की गई जो बहुत ही निंदनीय है, जो इतिहास में जो है याद है, उसके तारतम्य हम यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे, अपने पूरे पदाधिकारी और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा। उमरिया जिले के ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, राजस्थान में पुजारी की घटना घटी है, उस संबंध में उन्होंने अपना विरोध और उसके खिलाफ जो उन्होंने किया उसके खिलाफ कार्रवाई ज्ञापन राष्ट्रपति के द्वारा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।